ग्लैम, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि सैलिसिलिक एसिड के बारे में, सैलिसिलिक एसिड को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी द डर्मा को 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों की ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन होती है, उन लोगों के लिए सैलिसिलिक एसिड इज़ लाइक अ होली ग्रेल। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होता है जब आप इसे अप्लाई करते हैं, और आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है ताकि आपके स्किन पे जो एक्सेसिव ऑयल है या फिर कोई डर्ट है जो अंदर तक आपकी स्किन में आपके पोर्स को क्लॉग कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो रिमूव करके, क्लीन करके आपकी स्किन को एक्ने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से अगर आपकी भी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इस समर्स में मुझे भी जो है वो बहुत सारे एक्ने की प्रॉब्लम से जो है वो जूझना पड़ रहा है, इस वजह से मैंने ये वाला द डर्मा को 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश मंगवाया। और ये इसका छोटा पैक है, ये है 30 ml का पैक, क्योंकि मुझे पहले जो है वो बस इसे ट्राई करना था, डैट्स वाई आई जस्ट बॉट दिस 30 ml पैक फॉर 149 rupees। और अगर आपको बड़ा पैक जो है वो लेना है तो वो आता है 299 rupees में फॉर 100 ml। तो इस तरह से दो साइजेस में आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ जो है वो आपको सैलिसिलिक एसिड और विच हेजल विलो बार्क ऐसे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी और प्रोटेक्टेड रहने में मदद होगी। अभी आप देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सब जो है वो एक्ने मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, और मेरी स्किन का टेक्सचर देख के जो आपको पता चल रहा होगा कितने सारे एक्ने आए हुए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने जो है ये फेस वॉश लगाना स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट अब 1 month हो चुका है इसे यूज़ करते करते, और ये तो फिर भी कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्ने आ गए थे क्योंकि गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा है। तो इस फेस वॉश ने जो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है मुझे, भले ही बहुत ज़्यादा मतलब आप यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से चकाचक हो जाएगी स्किन, बट हाँ मॉडरेटली आपकी स्किन को ये एक्ने से जो है वो बचाने में मदद करेगा। और इसका टेक्सचर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है। और इसकी बात अच्छी क्या लगी मुझे कि इसमें किसी भी तरह की कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, दैट मीन्स इट हैज़ नो केमिकल्स। अब देखिए बहुत ही जो है वो थिन कंसिस्टेंसी है इसकी, अगर आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इतना जो है वो थिन कंसिस्टेंसी होने के बावजूद भी झाग जो है वो अच्छे से बन जाता है, आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है दैट मीन्स। और आप जो है वो समर्स में इसे स्पेशली यूज़ करें, क्योंकि समर्स में जो है वो मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश से ज़्यादा क्लैरिफाइंग फेस वॉश यूज़ करना जो है वो आप भले ही आपका कौन सा भी स्किन टाइप हो वो अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस फेस वॉश टू यू। अगर आप भी जो है इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपको नायका पर्पल या फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है द डर्मा को, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको किसी मेडिकल स्टोर पे भी आसानी से मिल जाएगा। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 years, 2025 में जो है वो एक्सपायर होगा, दैट मीन्स कि आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।